वेलकम टू क्रिस्टल क्लासेस। आज इस वीडियो में सब लोग लैंग्वेज के स्किल डेवलपमेंट का आज सब लोग बताएगा, तो देखते हैं सब लोग कैसे कैसे सब लोग अपना अपना पोएम या स्टोरी सुनाता है। ठीक है, मेरा नाम शिल्पा कुमारी सिन्हा है, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ, उसका नाम है जादुई मोर। एक जंगल में एक मोर रहता था जो बहुत ही सुंदर था। उसमें वो सोने और चांदी का बना हुआ है और उसके पंख में हीरे और मोती जड़े हुए हैं। वो बहुत ही सुंदर है। कहा जाता है कि वो किसी को देख ले या वो किसी को देख ले तब, या उसका एक पंख उससे मांग ले तो वह बहुत ही दुनिया का सबसे ही अमीर आदमी हो जाता है। क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गाय पे सुनाने जा रही हूँ। गाय एक पालतू पशु है। उसके चार टांग होते हैं, उसके दो आँख होते हैं, उसके दो कान होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है। कुछ गाय काली होती है, कुछ गाय भूरी होती है, कुछ गाय सफेद होती है, कुछ गाय छोटी होती है, कुछ गाय बड़ी होती है। गाय दूध देती है, गाय घास खाती है। My name is Joseph. My name is Tavu. So guys, last week is in so are you? भारती, मैं एक आपको पोयम सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है एक डाल पर तोता। एक डाल पर तोता, मैं रटा टा 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 करते हैं, ऐसा लगता है वे अपने पाठ को याद करते हैं। अनुप्रिया, मैं एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है मम्मी एंड डैडी। मम्मी एंड डैडी, आई लव यू। कम टू मी व्हेन आई कॉल यू। गिव मी ए किस व्हेन एस यू। मम्मी एंड डैडी, आई लव यू। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाए उसको सुने और घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी बुरा हुआ, कुदमरे चनों से भरा पड़ा। बंदर दोनों हाथ साथ फौरन दिया घड़े में डाल, चने भरे मुठियों का वह पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर में उसे चना न छोड़ा जाता था। बस उसको कोशिश करते करते लग गए उसको लग गए बहुत देर। बस आप पूछे घर के मालिक डंडा लेकर राम सुमार कभी का नाम हरिवंश राय बच्चा। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं गाय पे बोली। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के चार पैर होते हैं, गाय की दो आँख होते हैं, गाय के दो कान होते हैं, गाय के एक पूंछ होती है। गाय घास खाती है, गाय दूध देती है। मेरा नाम दिव्या है, मैं एक पोयम सुनाने जा रहा हूँ। टिकली उड़ी, बस पचड़ी, सीखना उड़ी, रोने लगी, कलेक्टर ने बोला अजय मेरे पास टिकली बोली, हटवा दो मेरा घर है। मैं एक पोयम सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम तो अपने नाम है टिंकल टिंकल लेडी स्टार। पोयम मेरा पोयम का नाम है फूल हमेशा मुस्काता है। चाहे चले हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता है। चाहे चले हवा लुवाली फूल हमेशा मुस्काता है। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता है। पत्तों की गोदी में रहकर फूल
नीचे टपक कर धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। फूल को कभी रोना नहीं आता, इसीलिए वो सबको पाता। फूल हमेशा मुस्कुराता है। सोहन लाल द्विवेदी, कवि कलम। थैंक्स। माय नेम इज अंजलि कुमारी। माय टॉपिक इज कोरोना वायरस। कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से आज पूरे विश्व में फैलने वाली बीमारी बन चुकी है। इस वायरस के कारण हर रोज लाखों लोगों की संख्या में मृत्यु हो रही है। इस वायरस का कारण यह है कि यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। इस वायरस का शुरुआत चाइना के वुहान में हुआ था। पहले तो इसे SARS कोविड-2 नाम दिया गया, फिर कुछ समय बाद इसे कोविड-19 से नाम दिया गया। इस वायरस के कारण तो कई जगह कई महीनों तक लॉकडाउन भी किए गए, पर अभी भी यह वायरस खत्म नहीं हुआ है। मेरा आप लोग से निवेदन है कि इस वायरस को नज़रअंदाज ना करते हुए, बल्कि इस वायरस से बचने के लिए हमेशा मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करें। कृपया कुछ दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ अपने हाथों को भी धोते रहें। अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का लक्षण लगे तो वह तुरंत ही अपने नज़दीक अस्पताल में जाकर इसका इलाज करवाएं तथा डॉक्टर की सलाह लें और उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग रखें ताकि यह वायरस दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। थैंक यू। माय नेम इज संजय कुमारी। आज हम कहानी सुनाने वाले हैं जिसका नाम है हम पेड़ों की रक्षा करें। धरती पर तरह तरह के पेड़ उगते हैं। यह पेड़ हमारे लिए लाभकारी है। इससे हम बहुत चीज प्राप्त करते हैं, जैसे कि खिड़की या लड़की लकड़ियाँ से ही मिलती है। पेड़ हमारे लिए बहुत लाभकारी है। पेड़ से हमें बहुत चीज प्राप्त होता है। थैंक यू। आज बहुत सारे स्टूडेंट हेजिटेट किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे? I will do better. So, see you in the next.